केंद्र में कैबिनेट में बदलाव की खबर एक बार फिर सुर्खियां बटोर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट के कुछ नए चेहरों को बदला जा सकता है तो कुछ को निकाला जा सकता है, लेकिन इस कैबिनेट बदलाव में जिस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाने वाला है वो है उत्तर प्रदेश का चुनाव। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी दिन रात लगी हुई है कि उसे लखनऊ की गद्दी अब की बार मिल जाए। एक तरफ कैराना का मुद्दा और दूसरी तरफ कैबिनेट में फेरबदल की तैयारी, ये दो तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों में एक बड़ा कॉमन कनेक्शन है। दोनों ही मामलों में यूपी चुनाव का असर दिख रहा है। कैराना पर हो रही सियासत तो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं। यहाँ के हिंदू विस्थापितों का दर्द समझने से ज्यादा हर पार्टी अपने अपने सियासी फायदे के हिसाब से अपनी रणनीति बना रही है। लेकिन इस बीच कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा भी शुरू हो गई है और जाहिर तौर पर इसमें भी यूपी चुनाव का एंगल हावी रहेगा। खबर है कि यूपी के प्रभारी और राज्यसभा सांसद ओम माथुर मंत्री बन सकते हैं। साथ ही कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री संजीव बालियान का प्रमोशन कर इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा इलाहाबाद से सांसद श्यामाचरण गुप्ता और एनडीए की सहयोगी पार्टी अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल को भी मंत्री पद मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर हर मोर्चे पर देश की राजनीति में फिलहाल उत्तर प्रदेश का चुनाव हावी है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल कैराना का है। क्या इस सियासी खेल के बीच कैराना के विस्थापितों को न्याय मिलेगा? तो यहाँ पर कैबिनेट में फेरबदल संभव है, कुछ नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। तो कौन कौन बनेगा मंत्री? राज्यसभा सांसद ओम माथुर बन सकते हैं मंत्री, यूपी में बीजेपी का कामकाज संभाल सकते हैं ओम माथुर। साथ ही ये बताएं कि संजीव बालियान को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। फिलहाल कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री है संजीव बालियान। इलाहाबाद में सांसद श्यामाचरण गुप्ता बन सकते हैं मंत्री। अनुप्रिया पटेल को भी मिल सकता है मंत्री पद। मुख्तार अब्बास नकवी का प्रमोशन लगभग तय माना जा रहा है। बीकानेर से अर्जु मेघवाल भी हो सकते हैं कैबिनेट में शामिल। असम से रामेन डेका को बनाया जा सकता है मंत्री। हर एक राज्य से यहां पर एक चेहरा शामिल किया जा सकता है। बढ़ते आगे, एनर्जी में भारत की दावेदारी के लिए अमेरिका के पुरजोर समर्थन के बाद अब ब्रिटेन भी खुलकर समर्थन कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत को अमेरिका के बाद ब्रिटेन का भी समर्थन मिला है। ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर एनएसजी की सदस्यता के लिए समर्थन देने का भरोसा दिया है। अमेरिका ने एनएसजी समूह के सभी 48 सदस्य देशों से भारत का समर्थन करने की अपील की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अगले हफ्ते सियोल में होने वाली एनएसजी की बैठक में सभी सदस्य देश भारत की सदस्यता का समर्थन करें। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने एनएसजी में भारत की सदस्यता का समर्थन करने के लिए हाल ही में सभी सदस्य देशों को पत्र लिखा है। एनएसजी में भारत को जहां महाशक्तियों का समर्थन मिल रहा है, वहीं पाकिस्तान के साथ टकराव का खतरा बढ़ रहा है। देखिए क्यों। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की वजह से भारत के साथ उसके टकराव का खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान लगातार अपने परमाणु हथियार भंडार को बढ़ा रहा है। 14 जून को सौंपी 30 पेज की रिपोर्ट ऐसे वक्त पर आई है जब एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत को समर्थन देने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे पाकिस्तान परेशान है। वैसे तो एनएसजी के लिए चीन पाकिस्तान का समर्थन और भारत का विरोध कर रहा है। चीन की दलील है कि एनएसजी में भारत को शामिल किए जाने से दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। आपको बताएं कि भारतीय वायुसेना को महिला फाइटर पायलट का पहला बैच मिल रहा है। एयरफोर्स में 3 महिला पायलट्स को अब से थोड़ी देर में कमीशन मिलेगा। ये तीनों पायलट्स हैं मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ। इनको शामिल कर लिया गया हैदराबाद के पास डुंडिगल के एयरफोर्स एकेडमी में पासिंग आउट परेड में इन्हें शामिल किया गया। परेड में खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की मौजूदगी में इन तीनों को शामिल किया गया है। बेहद ही गौरवान्वित करने वाला पल ये वो 3
महिला फाइटर पायलट्स है जिन्हें एयरफोर्स में शामिल किया गया है। हम आपको बताएं, ये हैं मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी और भावना कंठ। हैदराबाद में पासिंग आउट परेड में इन तीनों ही महिलाओं को शामिल किया गया। हिंदुस्तान के आसमान में अब दिखेगी महिला शक्ति। हैदराबाद के पास सडुंडीगल के एयरफोर्स एकेडमी में पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें इन तीनों महिलाओं को एयरफोर्स में शामिल किया गया। अब बात करते हैं भारतीय हॉकी टीम के गोल्डन सपने के शूटआउट की। दरअसल हॉकी इतिहास में पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला खेल रहे टीम इंडिया को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। लंदन में पेनल्टी शूटआउट से ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 3-1 से शिकस्त दी। हालांकि मैच के फैसले पर भी विवाद हुआ। शूटआउट के दूसरे गोल पर भारतीय टीम ने सवाल भी उठाए, लेकिन इस चुनौती को खारिज कर दिया गया। Again goes down the middle. Srijesh comes back, pedals. Beal looks to go onto the reverse, spins. Srijesh saves, trying to get to the ball is Beal. Goes down the middle again. Srijesh back pedals again. Beal goes to the right. He finishes this time. भारतीय हॉकी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी का इतिहास बदल दिया होता। पहली बार चैंपियंस के चैंपियन बनने का सहरा अपने सिर बांध लिया होता। अगर ऑस्ट्रेलिया के इस गोल को रिव्यू में गलत ठहरा दिया जाता, फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में इस गोल ने ऑस्ट्रेलिया को भारत पर 3-1 से जीत दिलाने में अहम रोल निभाया। हालांकि पेनल्टी शूटआउट में हार के बाद हॉकी इंडिया ने इस गोल पर सवाल उठाया और आधिकारिक तौर पर अपना विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी को टाल दिया गया। और ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी नहीं दी गई, लेकिन बाद में ऑफिशियल्स ने फैसला ऑस्ट्रेलिया के हक में सुनाया और भारत को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस गोल को लेकर विवाद क्यों खड़ा हुआ। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की डेनियल बेल ने पेनल्टी शूटआउट में दूसरा शॉट लिया था, जिसे गोलकीपर श्रीजेश ने रोक लिया। गोलकीपर की गेंद रोकने के तरीके पर सवाल उठाते हुए ऑस्ट्रेलिया ने रेफरल लिया, जिसे देखने के बाद रेफरी ने फैसला ऑस्ट्रेलिया के हक में दिया और बेले से दोबारा शॉट लेने को कहा।